तो ये है जी नालंदा यूनिवर्सिटी का एक्सकेवेशन साइट्स जो कि बहुत पुराने हैं। देखिए नालंदा टेंपल का साइट वो जो एक्सकेवेट किया था। आप लोग पढ़ के भी यहाँ का ज्ञान ले सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। साइट इस तरह देखिए, ये सब है एक्सकेवेशन साइट। बहुत सारे लोग आए हैं भारत से दर्शन करने। ये देखिए ये पूरा रूम है। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे कमरे बने हैं, पता नहीं क्या करते होंगे इधर। मेडिटेशन करते होंगे कि पढ़ाई। देखो ये कैसे कितना मजे से बनाया हुआ, अच्छे से। देखिए कुछ इस तरह है नजारा फिर नालंदा यूनिवर्सिटी का। पे बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ का नजारा। ये देखिए So these are all the excavation sites of Nalanda University, which is more than 1,000 years old. अभी अंदर खूब चलना है यार, बहुत घूमना है। बोला ना अपन एक ऐसा पत्थर है जिस पर अगर हम लाइट जलाएं तो वो शाइनिंग कर और ये देखो इसका शेप है इग्लू की तरह। This is the rice. So at the time of excavation, the rice already found out. So this is the storage to keep rice. गोदाम था जहाँ वो चावल रखते थे, वो कुआं है जिससे जल की सुविधा मिलती थी। पानी सूख गया और ये बदबू है। नीचे से काफी लकड़ी नीचे से लकड़ी लगती थी। लोग यहाँ भोजन बनाते और यहाँ भोजन बैठ करते थे। और ये था उनका क्लासरूम। लेक्चर सिस्टम कहाँ पे था? ये लेक्चर हॉल बताया, ये लेक्चर स्टैंड बताया, वो कुआं बताया जहाँ लोग खड़े हैं। ये था लेक्चर स्टैंड जहाँ पे बैठ के टीचर्स उनको लेक्चर देते थे, और नीचे वाला था जहाँ पे स्टूडेंट्स बैठ कर लेक्चर सुनते थे। अब हम एग्जिट द्वार की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे काफी कुछ है देखने के लिए, पर हमारे साथ कोई गाइड नहीं था तो हमें उतना नहीं पता चला क्या है क्या नहीं है। लोग यहाँ अपने साथ गाइड लेकर आ रहे हैं ताकि गाइड उन्हें सारा एक्सप्लेन कर सके, पर हमारे साथ कोई गाइड नहीं था तो हमें उतना पता नहीं चला। अगर आप यहाँ आना चाहते हो या यहाँ आते हो तो मुझे लगता है कि आपको अपने साथ कोई किसी गाइड को लेके आना चाहिए जिसको पूरा पता हो हिस्ट्री के बारे में। तो यहाँ पे आप एक्सप्लोर करने में या यहाँ घूमने में और यहाँ चीज़ें देखने में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा और ज़्यादा आपको पता चलेगा। यह है मिनिस्ट्री नंबर 11 नालंदा। इट्स अ वेरी बिग प्लेस एंड मैनी थिंग्स टू नो, मैनी थिंग्स टू लर्न, बट दुख की बात यह है कि हम ज़्यादा नहीं जान पाए।
डिफरेंट दुबई होती है, डिफरेंट दुबई आता है। ये इसलिए डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कलाकारी भी है, बहुत सारा रॉक पेंटिंग है, पूरे साइड साइड में चारों ओर रॉक पेंटिंग से घेरा हुआ है। अब हम जा रहे हैं आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम नालंदा में देखने के लिए। हमने नालंदा यूनिवर्सिटी पूरा एक्सप्लोर कर लिया है, अब हम जाएंगे इसके बाद। ये है मेरे दोस्त लोग, जहाँ वो लोग उधर से टिकट ले रहे हैं म्यूज़ियम जाने के लिए, आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम। वी आर इन आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम नालंदा में, हम प्रवेश कर लिए हैं। हम अभी म्यूज़ियम की ओर बढ़ रहे हैं। ये देखिए, ये है आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम का बाहर का नज़ारा और हम जाने वाले हैं अंदर की ओर। ये देखिए, ये गार्ड साहब हमारा टिकट चेक कर रहे हैं और हम अंदर की ओर प्रवेश कर रहे हैं। हम चल पड़े हैं गृजकुंड पर्वत। हेलो करुछायुन, करुछायुन याले। अब हम चल पड़े हैं जगत फुंकपुरी की ओर, जिसे हिंदी में कहते हैं क्या, गृजकुंड। जगत फुंकपुरी उस पहाड़ के पास है और हमें यहाँ से घूमते घूमते जाना है। अभी हम चल रहे हैं बस जगत फुंकपुर की ओर। ये देखिए, ये जगत फुंकपुरी के गुफा। Finally, we are about to reach Jagwe Phungpuri at the top of this hill. So Jagwe Phungpuri is here at this floor. And there's me. There are prostrations for the Buddha Dharma under this. ये लोग प्रोस्टेशन कर रहे हैं इस गुफा के अंदर, जो मूर्ति रखे हैं उनको। हेलो गाइस, तो फाइनली वी आर एट चगुफुंकपुरी। बहुत ज़्यादा घूमने के बाद फाइनली हम यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पहुँचने के लिए हमने कितने सारे मन्नतें मांगी, ड्राइवर भैया से झगड़ा किया, तब जाके फाइनली हम यहाँ पहुँचे हैं और हम बहुत खुश हैं। फाइनली वी रीच देयर एट चगुफुंकपुरी। The view is like that. Pumpuri. Prayer
अब हम जगतपुरी में चक्कर लगाने वाले हैं। से नजारा